ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नेशनल वॉयस ने टीम योगी से बात की और उनके विजन और उनकी रणनीति पर चर्चा भी की। प्रतापगढ़ पट्टी से जीते मोती सिंह बीजेपी के बड़े नेताओं में हैं। मोती सिंह जी, बीजेपी के बहुत सालों बाद मौका मिला है, बड़ी चुनौतियां हैं, क्या कहेंगे? जो हमारा संकल्प पत्र है उसके अनुरूप हम काम करेंगे और अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अपने संकल्प पत्र को शत प्रतिशत लागू करने में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतेंगे। आपकी सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आई है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जो आप कह रहे हैं, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था दोनों को हम सुनिश्चित करेंगे। भ्रष्टाचार न हो और कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त, अपराधी प्रदेश की सीमा से बाहर हो, हमारे प्रदेश में कोई गुंडा ही न करे, इसको हम सुनिश्चित करेंगे। मोदी सिंह जी बहुत कॉन्फिडेंट हैं और अनुभवी नेता हैं, पहले भी मंत्री रहे हैं, अब वो इस सरकार में और बेहतर काम करेंगे ऐसी उम्मीद है। वो शपथ लेकर कैबिनेट मंत्री बने हैं और जिस विभाग में रहेंगे ईमानदारी से काम करेंगे। कैमरामैन आमिर के साथ वीरेंद्र सिंह, नेशनल वॉइस, लखनऊ। मोहसिन रजा बीजेपी का अल्पसंख्यक चेहरा, मुस्लिम मंत्री, बहुत अप्रत्याशित रूप से रजा साहब आपको मौका मिला है। देखिए, मौका मिला है, जाहिर सी बात है, जो सबका साथ सबका विकास हमारी सरकार का एक वादा है और सबका साथ सबका विकास सरकार कर रही है, आज उसका परिणाम देख लिया आपने। अब हमारी प्राथमिकता है सरकार की कि हम जो जनता की मूलभूत परेशानियां हैं प्रदेश की जनता की, उसको प्राथमिकता पर रखते हुए हम काम करेंगे और जैसा आगे दिशा निर्देश होगा उसको लेकर चलेंगे। बीजेपी ने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया था, लोग कहते हैं मुसलमान वोट नहीं। आप बताइए, टिकट के बाद आपको मंत्री दे दिया, अब इसके बाद भी कोई शिकायत रहेगा? ये चलिए काम करेंगे हम लोग मिलकर। देखिए, खुशी की लहर है बीजेपी के, जो मंत्री बनाए गए हैं नए उनके अंदर, और वो उम्मीद है उनको कि ये सरकार बेहतर काम करेगी, सभी वर्गों के लिए काम करेगी। कैमरामैन आमिर के साथ वीरेंद्र सिंह, नेशनल वॉइस, लखनऊ। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम जनमानस की उम्मीद पर खरा उतरेगी, उत्तर प्रदेश का चतुर्मुखी विकास होगा। कानून व्यवस्था और जैसे तमाम मुद्दों पर आप लोगों ने लड़ा, कितनी क्या प्राथमिकता है? दरअसल कानून व्यवस्था जो समाजवादी पार्टी की सरकार में एकदम पटरी से उतर गई थी, पूरी तरह से गुंडाराज था, उसका खात्मा हो चुका है। अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पूरी तरह से कानून अपने काम करेगा और कहीं कोई अव्यवस्था होने नहीं दी जाएगी। बृजेश पाठक बेहद अनुभवी नेता हैं और उन पर कैबिनेट मंत्री का जिम्मेदारी मिली है और इसको बाखूबी अंजाम देने के लिए तैयार है। कैमरामैन आमिर के साथ वीरेंद्र सिंह, नेशनल वॉइस, लखनऊ। बात कही गई है छोटे किसानों की फसलें, उसको भी माफ करेंगे और संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करेंगे। सुरेश खन्ना जुझारू नेता थे बीजेपी के और वो कैबिनेट मंत्री बन गए हैं, भारी मतों से चुनाव जीते हैं, 6 बार MLA रह चुके हैं। नंदी जी, बीजेपी ने आपको मंत्री बनाया है और इस सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, क्या प्राथमिकताएं हैं? देखिए, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी शपथ भी नहीं ली थी और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर इतना सख्त निर्देश दिया है अधिकारियों को, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोगों की सरकार अच्छा काम करेगी, सबका साथ सबका विकास, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, रीत नीति है, वो आपको मंच पर भी दिखाई पड़ा, पूरी सरकार में दिखाई पड़ा, सभी वर्ग के लोगों को मिनिस्टर बनाया गया है। नंदी जी दूसरी बार कैबिनेट मंत्री बने हैं और वो उत्तर प्रदेश में व्यापारी समाज से हैं, उत्तर प्रदेश के विकास को उन्होंने एजेंडा बनाया है, उनकी प्राथमिकता है। कैमरामैन आमिर के साथ वीरेंद्र सिंह, नेशनल वॉइस, लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। महेंद्र जी, बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद। अब आपके सामने उत्तर प्रदेश में अच्छी सरकार देने की, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी सरकार देगी। मेरा उत्तर प्रदेश नंबर एक का राज्य बनेगा, गुंडा राज और भ्रष्टाचार से मुक्त करके उत्तर प्रदेश को विकास की गति पर आगे बढ़ाया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की जो पहचान है विकास, उस गति को हम लोग आगे बढ़ाते हुए फिर से अपने उत्तर प्रदेश के गौरव को वापस कराएंगे। महेंद्र सिंह जी बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हैं और आसाम के प्रभारी हैं, ये जहां रहते हैं वहां पार्टी जीत जाती है। कैमरामैन आमिर के साथ वीरेंद्र सिंह, नेशनल वॉइस, लखनऊ। विधायक गोपाल टंडन जी मंत्री बन गए हैं, कैबिनेट मंत्री। टंडन जी, आपकी सरकार को बहुत हसरतों से जनता लाई है। जी, हमारी सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी और प्रदेश को तेजी से विकास की ओर ले जाएगी। कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बहुत सारी समस्याएं, सब दुरुस्त किया जाएगा आने वाले समय में, आप देखिएगा। का इरादा साफ है, उनकी सरकार का जो कार्यक्रम है वो भी साफ है, वो मानते हैं कि आने वाले समय में वक्त हर सवाल का जवाब देगा। कैमरामैन आमिर के साथ वीरेंद्र सिंह, नेशनल वॉइस, लखनऊ।
सहारनपुर के नकुड़ से लगातार चुनाव जीत रहे हैं धर्म सिंह सैनी, पहले मंत्री रहे फिर मंत्री बनाए गए हैं। आज सैनी साहब बीजेपी में आप मंत्री बन गए हैं और खासतौर से जिस इलाके से आप आते हैं वहाँ स्थितियाँ अच्छी नहीं है। हाँ नहीं, सबसे पहले तो मैं ऐसे उस व्यक्ति को हरा कर आया हूँ जो माननीय प्रधानमंत्री जी को बोटी बोटी करने के शब्द उसने इस्तेमाल किया था, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नकुड़ विधानसभा की उन महान जनता को जिन्होंने मुझे निर्वाचित करके फिर विधानसभा में भेजने का काम किया है। रही बात वहाँ के इलाके की, इलाके में अब भारतीय जनता पार्टी में आकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हम बहुत कुछ विकास कराने का, सबका साथ सबका विकास लेकर के काम करेंगे। अच्छा, बीजेपी की जो सरकार आई है वो गुंडागर्दी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ उसको जनादेश मिला है? हाँ बिल्कुल, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार के खिलाफ जनादेश मिला है, और हमारे यशस्वी जो मुख्यमंत्री बने हैं उनके शपथ लेते ही ये समझ लीजिएगा कि कानून तो अपने आप ही, हाँ 60% जो है मजबूत हो गया। और जैसे ही आज कैबिनेट की बैठक संभवतः 5 बजे है, कैबिनेट में जो निर्णय लिए जाएंगे उसके बाद बिल्कुल चुस्त दुरुस्त होने का काम होगा। तो बीजेपी में खुलकर काम करने की आज़ादी है और मंत्री जो बनाए गए उनके चेहरों पर खुशी है, और वो उत्तर प्रदेश में साफ सुथरी और ईमानदार सरकार देने का वादा करके उन्होंने शपथ लिया है। कैमरामैन आमिर के साथ वीरेंद्र सिंह, नेशनल वॉइस, लखनऊ। तो हमारे ब्यूरो चीफ वीरेंद्र ने तकरीबन सबसे बातचीत करने की कोशिश की और सबके मन की बात को टटोलने की भी कोशिश की। जो एक लाइन मिली जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में दी थी, सबका साथ सबका विकास, हर किसी की जबान पर बस यही एक नारा है, यही एक वाक्य है, और इसी को लेकर सभी चलने की कोशिश कर रहे हैं। आगे भी दिखाएंगे किनसे बातचीत हुई। और एक अहम बात और, मोहसिन रजा भी बोले कि हम अगर आपको इलेक्शन नहीं लड़ाया तो हमें मंत्री तो दे दिया, हम काम करेंगे। और तमाम इन लोगों की बॉडी लैंग्वेज से आज दिखा, चूंकि आज खुशी का दिन है, लेकिन 15 दिन के अंदर इन सभी को अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा भी देना है। योगी आदित्यनाथ ने, यानी उनके सीएम ने, इस बात का जिक्र भी कर दिया। उन्होंने कहा है कि आपको अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। और अब आगे के स्पेशल 26 की टीम के बारे में दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान है, बड़ी जिम्मेवारी मिली है योगी कैबिनेट में, एक अहम जिम्मेवारी इनको मिली है। बात करते हैं कि कैसे निभा पाएंगे, कैसे पूरा कर पाएंगे उत्तर प्रदेश और लोगों की उम्मीदों को। जो यहाँ पर जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी है उत्तर प्रदेश के अंदर, इसको बखूबी मैं निभाऊंगा और अच्छी तरह से निभाऊंगा, मेहनत से, ईमानदारी से निभाऊंगा, क्योंकि हम लोग खिलाड़ी लोग हैं, मेहनत में विश्वास करते हैं। तो मेहनत से, ईमानदारी से और सही तरीके से जो जनता के हित में निर्णय होंगे वो लिए जाएंगे। चेतन जी, क्रिकेट की भाषा में लोग कहते हैं अगर ओपनिंग सॉलिड हो गई, अच्छी हो गई, तो रन बन जाते हैं, जम जाती है जोड़ी, तो शुरुआत कैसी करेंगे? देखिए, शुरुआत जो है बिल्कुल अच्छी तरह से करनी है हमको, सरकार को अच्छी तरह करनी है। और मैं अभी पहले थोड़ा दूसरे चैनल से भी कह रहा था कि हमने एक संकल्प पत्र जाहिर किया है, वो चुनाव घोषणा पत्र नहीं है, उसमें वादे हैं और वो वादे ये सरकार पूरे करेगी, चाहे वो कर्ज माफी का है या आगे जो कर्ज दिया जाएगा बिना ब्याज के दिया जाएगा वो पूरी तरीके से पूरा करेगी। कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा और इशू रहा है इस चुनाव के अंदर, और मैं समझता हूँ अगले 30 दिन के अंदर, वैसे तो काफ़ी कुछ ठीक हो गया है, लेकिन अगले 30 दिन के अंदर कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक तरीके से कर दी जाएगी। हमारे साथ चेतन चौहान थे, मशहूर क्रिकेटर और अब राजनीति में चौके छक्के लगा रहे हैं। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ अभिषेक पांडे, नेशनल वॉइस, लखनऊ। हमारे साथ स्वतंत्र देव सिंह है, योगी की सरकार में उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, मंत्री पद दिया गया है। सर, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, 14 साल बाद सरकार में आए हैं, सारे वायदे पूरे करने की जिम्मेवारी है। वो सभी होंगे, माननीय योगी जी एक परिश्रमी व्यक्ति हैं और माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो भी हम सब संकल्प लिए हैं चुनाव के समय, वह सभी हम लोग पूर्ण करेंगे और आम गरीब तक उसका लाभ मिलेगा और वहाँ सभी तक पहुँचेगा वह लाभ, यही हम सब। आप संगठन में खूब सक्रिय रहे, अब सरकार में आए,
आप पे भरोसा किया गया है, आप पे भरोसा किया गया है। तमाम वायदे किसानों से जुड़े मुद्दे थे, लॉ एंड ऑर्डर थे, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की बात कर ली जाए, अखिलेश सरकार की खूब आलोचना की, क्या ब्लू प्रिंट लेके चलेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे? एक एक बिंदु पर चर्चा होगा कैबिनेट की बैठक में, माननीय योगी जी एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे और योगी जी के जो उनकी छवि है उनके छवि के कारण ही आधा समस्या समाधान हो जाएगा। ईमानदार नेता हैं, उनका व्यक्तित्व है, परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं, परिश्रम की पराकाष्ठा है उनके अंदर और सुबह से लेकर शाम तक वह केवल आम जनमानस के लिए हैं, इसलिए दिखाई देगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। स्वतंत्र देव सिंह, उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है और उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ जितने कर्मठ हैं उसका फायदा सरकार को मिलेगा। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ अभिषेक पांडे, नेशनल वॉइस, लखनऊ। मंडल में शपथ लिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार इनको मिला है, आपको बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, आपको लगता है कि आप अपने क्षेत्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश भर में काम कर पाएंगे क्योंकि आप सेकंड टाइम आप लगातार वहां से जीत के आए हैं, आप पे बड़ी जिम्मेवारी गई? बिल्कुल, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे जिम्मेदारी दिया है उस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन किया जाएगा और जो भी सरकार की योजनाएं हैं भारत सरकार से लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वो नौजवानों, गरीबों, किसानों, मजदूरों, मजलूमों के लिए हैं, वह पारदर्शिता के तौर पे उन सभी के दरवाजे तक पहुंचाना हम सरकार के लोगों की पहली प्राथमिकता होगी और उसी के तहत काम। आप जिस इलाके से आते हैं वो शायद उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाकों में से गिना जाता है, सीमावर्ती इलाका है, इस बार पूर्वांचल की खूब चली है इस बार सरकार में, तो क्या फायदा मिलेगा, पूर्वांचल बदलेगा इस बार? बिल्कुल, इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी ने पूर्वांचल के गोरखपीठ के पीठेश्वर हम लोगों के माननीय योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का सीएम बनाया है। निश्चित रूप से पूरे पूर्वांचल ही नहीं, पूर्वांचल के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास होगा और जो आज तक आज़ादी के 70 साल के इतिहास में नहीं हुआ होगा वो आगामी 5 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी करके। हमारे साथ उपेंद्र तिवारी थे, उत्तर प्रदेश की सरकार में इनको मौका मिला है काम करने का, योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में इनको शामिल किया गया है। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ अभिषेक पांडे, नेशनल वॉइस, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की नई सरकार में राज्य मंत्री बनाए गए हैं, जयप्रकाश निषाद हमारे साथ हैं। सर, आप जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र की दुर्दशा सबने देखी है, अब आप मंत्री बन गए हैं, क्या उम्मीदें हैं, लोग जो पाले हैं वो पूरी हो पाएंगे और कब तक पूरा कर पाएंगे आप? एकदम पूरा करेंगे, समय से पूरा होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिस तरह से जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपनाया है, उनके सभी मनोकामनाओं को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, हम लोग करेंगे। सबसे पहला काम कौन सा करेंगे? भारतीय जनता पार्टी समग्र विकास का काम करेगी, हम लोग भी करेंगे। कानून व्यवस्था, किसानों का मुद्दा, स्लॉटर हाउस, बेरोजगारों को नौकरी, तमाम तरह के बड़े बड़े मुद्दे हैं और आपके क्षेत्र में बहुत समस्याएं हैं, ये सभी प्रकार के समस्याओं का समाधान करेंगे हम लोग। हमारे साथ जयप्रकाश निषाद थे और योगी आदित्यनाथ की सरकार में मौका मिला, जाहिर तौर पर उम्मीदें बहुत हैं, उम्मीदें नहीं पूरी की है जनता की तो 2019 में इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ अभिषेक पांडे, नेशनल वॉइस, लखनऊ। पढ़ रहे हैं अनुपमा जायसवाल, राज्य मंत्री हैं, हमारे साथ में हैं मौजूद, उनसे बात करते हैं। अनुपमा जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री बनी हैं, कितनी उम्मीद है, किस तरह से काम करेंगी अगर हम आप बात करें प्राथमिकताओं की? तो देखिए, हमारी प्राथमिकता है विकास। उत्तर प्रदेश तमाम समस्याओं से जूझ रहा है और जैसा कि सब जानते हैं कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा है और कानून व्यवस्था अगर सही रहती है तो राज्य पूरा अपने आप में ठीक रहता है, तो विकास और कानून व्यवस्था को ठीक रहना ये हमारा बड़ा मुद्दा है। महिला सुरक्षा को लेकर संकल्प पत्र में जिक्र किया गया है, तो उसको लेकर किस तरह से एजेंडे पर काम करेगी सरकार? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से मैं हूँ और भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का बड़ा सम्मान है और उत्तर प्रदेश की भी प्रत्येक महिला की जिम्मेवारी अब हमारी है, क्योंकि लंबे समय से चाहे वो मायावती जी रहे हों और चाहे अखिलेश यादव जी रहे हों, महिलाओं को बड़ी ही शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा है प्रदेश में। तो महिलाओं की चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे उनकी आत्मनिर्भरता का मामला हो, हर तरीके से आधी आबादी को उसका पूरा हक दिलाने के लिए मैं आवाज़ उठाऊंगी और प्रयास करूंगी। तो ये थी जो योगी सरकार है उसमें महिला मंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली है, राज्य मंत्री थी जायसवाल, उनका कहना है कि महिला हक के लिए वो बात करेंगी और आधी आबादी की वो बात सरकार में रहकर उठाएंगी और उनके हितों के लिए काम करेंगी। कैमरामैन आशीष के साथ फरमान अब्बास, नेशनल वॉइस, लखनऊ।
यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री जी हमारे साथ हैं, तीसरी बार मंत्री बने हैं। उनसे बात करते हैं किस एजेंडे पर सरकार काम करेगी, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, 14 साल बाद वनवास खत्म हुआ। खुला एजेंडा है सबका साथ सबका विकास, और माननीय आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का ये नारा उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको लेकर के आगे चलेगी। सबके साथ समान व्यवहार होगा, सबके साथ समान बर्ताव होगा। 14 साल बाद वापसी की है भारतीय जनता पार्टी ने। ये कहा ना 14 साल में भगवान राम को वनवास हो गया था, लौटे थे तो राम राज्य आया था, ये 14 साल के बाद अब राम राज्य आने वाला है, कुछ और नहीं। लेकिन जिस तरह से जो विपक्षी हैं उन्होंने शुरुआत में ही कहा था कि योगी की जो छवि बनाई थी उसको लेकर लगता नहीं कि कहीं ना कहीं कोई दिक्कत होगी। दूसरे विरोधी के चक्कर में कुछ कह सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी जितने ऊपर से अकड़े लगते हैं दिल से उतने नरम है, योगी जी भी उसी प्रकार से उतने मुलायम है जितना ऊपर से अकड़े हैं। क्या माना जाए कि यूपी का में बदलाव नजर आएगा? यूपी का बदलाव आ जाए देख लीजिए, लाइन ऑर्डर की व्यवस्था देख लीजिए, 24 घंटे के अंदर बदलाव आए कि नहीं आए नगर देख लीजिए, वाली व्यवस्था देख लीजिए। रमापति शास्त्री की अगर हम बात करें तो क्या एजेंडा रहेगा उनका? एजेंडा जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के है वो हमारा एजेंडा रहेगा। तो ये थे कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री, जिनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर काम करेंगे और सरकार विकास की राह पर चलेगी। कैमरामैन आशीष के साथ फरमान अब्बास, नेशनल वॉइस, लखनऊ। नरेश राणा जी मंत्री, मौजूदा मंत्री जिन्होंने शपथ ली है आज वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। राणा जी, प्राथमिकताएं क्या हैं आपकी? सबका साथ सबका विकास, विकास पर चलना ही हमारी प्राथमिकता है। और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार देश तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है और केंद्र सरकार ने 30 महीने के कार्यकाल में साबित किया है कि विकास कैसे होता है और गाँव, गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी तमाम तक केंद्र सरकार इस प्रकार की विकास की नीतियां दी हैं, निश्चित रूप से योगी सरकार भी उसी प्रकार से तेजी के साथ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगी। आपकी छवि हिंदूवादी नेता के तौर पे है, योगी भी हिंदूवादी छवि के हैं, तो ऐसे में राम मंदिर निर्माण की बात अगर की जाए तो उस पर कितना जल्दी और कब तक काम करेंगे? हमने नारा दिया है, हमने संकल्प पत्र दिया है और संकल्प पत्र के साथ ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। और वो घोषणा पत्र नहीं है, वो संकल्प पत्र है और संकल्प पत्र का मतलब ये है कि संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बहुत शीघ्रता के साथ उस पर हम काम करने वाले हैं। योगी जी से कितनी उम्मीद है, प्रदेश किस तरह से देखे? योगी जी एक बहुत जानदार शानदार मुख्यमंत्री हैं और आपने देखा होगा लोकसभा में गोरखपुर से वो सांसद हैं लगातार, जिस प्रकार गोरखपुर के तमाम मुद्दों को, प्रदेश के तमाम मुद्दों को उन्होंने लोकसभा में उठाया संवेदनशीलता के साथ। और मैं जानता हूँ मस्तिष्क ज्वर के विषय को लेकर के जिस प्रकार लगातार योगी जी ने लोकसभा में विषय उठाए, गरीब कल्याण की जितनी योजनाएं उन्हें लगातार लोकसभा में उन्होंने उठाया, तो मोदी जी तो के साथ लगातार योगी जी जिस प्रकार कंधे से कंधा मिला करके लोकसभा में उन्होंने तमाम विषयों को उठाया, यहाँ भी विकास की गंगा वो बहाएंगे। सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी सरकार की? विकास, विकास, विकास। यूपी सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अनिल राजभर जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। राजभर जी, सबसे पहले तो आप बधाई नेशनल वॉइस की तरफ से, ये बताइए कि क्या प्राथमिकताएं रहेंगी सरकार में आप शामिल हो गए हैं? सबका साथ सबका विकास, जो अभियान श्रद्धे मोदी जी का है उसको आगे बढ़ाना है। आप बहुत महत्वपूर्ण जो इलाका है आपका, क्षेत्र है, वहाँ से आते हैं, तो ऐसे में नहीं लगता कि बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है? चुनौती है, सामना करेंगे। वो नीरज है, नीरज। और जो भी नेतृत्व ने भरोसा किया है उस पर खरा उतरेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। अगर बात की जाए योगी की तो कितना लगता है कि कितना बड़ा फैसला लिया है भारतीय जनता पार्टी ने योगी को मुख्यमंत्री बनाकर उत्तर प्रदेश में, और इसका कितना असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश के ऊपर? राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो भी फैसला किया है वो एकदम से उचित है और यूपी को योगी जी की ज़रूरत थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद से जो बयान आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी के, आपने देखे होंगे, साफ है कि सबका साथ सबका विकास और गुड गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल, ये सारी चीज़ें हम लोगों की प्राथमिकता में। तो ये थे राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार में अनिल राजभर, उनका कहना है कि गुड गवर्नेंस और बेहतर जो विकास है वो जितना हो सके उत्तर प्रदेश में, वो उनकी सरकार और उनकी खुद की प्राथमिकताएं होंगी। कैमरामैन आशीष के साथ फरमान अब्बास, नेशनल वॉइस, लखनऊ। हमारे साथ बात करने के लिए सुरेश खन्ना जी। खन्ना जी, सबसे मुख्य एजेंडा क्या होगा आपका? कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना। क्या, कौन सा विभाग आप पसंद करते हैं? यदि आपको आपको खुद पसंद करना हो, चूज करना हो, तो वो कौन सा विभाग होगा जिसके लिए आप प्रेफर करेंगे? जो पार्टी जिम्मेदारी देगी उसका निर्वहन करेंगे। संकल्प पत्र आपने बहुत से वादे किए हैं, लेकिन मुख्य आप क्या मानते हैं कि पहले इनको पूरा करना किया जाना चाहिए? मैंने कहा ना कि जो
छोटे किसानों का जो फसली ऋण है उसको माफ़ करना, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना, सुशासन लाना, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना। प्रमुख योजनाएं रहेंगी, सरकार बन गई है आपको इस प्रदेश में जिस प्रकार का एक अनार्की थी और जो विश्वास हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में दिखाया, जो उन्होंने जनता के पीछे सामने बातें रखी हैं, उस विश्वास को पूरा करने की जिम्मेवारी हम सब प्रत्येक सदस्य की है। जनता को भयमुक्त समाज देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त समाज देंगे, विकास परक सरकार देंगे और माताओं बहनों का सम्मान होगा, किसान का उत्थान होगा, नौजवानों को एक आशा नजर आएगी। हम इस और अपनी अगर आपकी पसंद पे छोड़ा जाए तो कौन सा ऐसा विभाग है जिसे आप पसंद करेंगे, आपको लेना चाहिए? पार्टी जो भी जो सरकार निर्णय करेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी जो निर्णय करेंगे उनका प्रोगेटिव है, जिसमें कहेंगे हम उसमें काम करेंगे। पहली कैबिनेट की बैठक में आपके कौन से मुद्दे हैं जिन पर आप कैबिनेट में जाएं तब पता चले? अभी आपको बघेल साहब हैं, बघेल साहब कैबिनेट मंत्री बन गए हैं, आप सारी जो आशंकाएं थी वो छट गई, पहली क्या प्राथमिकताएं होंगी आपको जब विभाग संभालेंगे? विभाग पता चलेगा तब उसकी प्राथमिकता पता चलेगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत ख़राब है, उसको पटरी पर लाना ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि पिछली सरकार में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जिसको अभी में पूरी करनी चाहिए? एक कमी हो तो बताऊँ, अच्छाई ढूंढते हैं तो बड़ी मुश्किल में मिलती है। कैबिनेट में नजर, जमीन सुरक्षित नहीं थी, मकान सुरक्षित नहीं था, प्लॉट सुरक्षित नहीं था, बहू बेटी सुरक्षित नहीं थी, लड़का जब तक स्कूल से घर नहीं आ जाता था माँ गेट पे खड़ी रहती थी, दुकानदार जब तक बाजार से घर नहीं आ जाता पत्नी चिंता करती थी कि कहीं थैला तो नहीं छिल गया, गोली तो नहीं मार गई। तो सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन करना है। अगर पूरी कैबिनेट पर नज़र डालें तो आपको, आप कैसी कैबिनेट देखते हैं अपनी? अच्छी कैबिनेट है, क्षेत्र जाति धर्म सबका बैलेंस। सिद्धार्थ जी, चूँकि कैबिनेट का हिस्सा है, आप पहली प्राथमिकता क्या मानते हैं सरकार की होनी चाहिए? देखिए, मैं अभी पहले जा रहा हूँ तो मैं नहीं कह सकता, मगर मैं इतना जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को जो ये मत मिला है, जो प्रचंड मत मिला है, वो सुशासन के लिए मिला है और विकास के लिए मिला है। एक तरफ जो यहाँ पे कानून व्यवस्था जो चरमरा गई थी उसको, उस पर अंकुश लगाना, भ्रष्टाचार जो चढ़ के बोल रहा था उस पर अंकुश लगाना, और जो हम लोग का संकल्प पत्र है उसके ऊपर हम लोग को काम करना है। तो इन सब चीज़ों पे एक दफ़े चर्चा होगी और यही हम लोग की प्राथमिकता होगी। क्या लगता है आपको कि पिछली सरकार में ऐसी कौन सी वो कमी रह गई है जिसको अब इस पहली प्राथमिकता होगी पूरा करना चाहेंगे? मेरे को लगता है कि उन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा किया नहीं है, मगर जो भी कहीं उन्होंने कोई अच्छा काम किया होगा तो हम लोग जरूर उसको देखेंगे और उसको आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। क्या क्या एजेंडे रहेंगे आपके मुख्य? देखिए, विकास तो महत्वपूर्ण एजेंडा है और सबसे बड़ी बात है कि उत्तम प्रदेश, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जो संकल्प है उसके लिए बहुत कुछ करना है, वो सब चीज़ें होंगी। धर्मपाल जी, सबसे पहली प्राथमिकता आप क्या देखते हैं सरकार की? सबसे पहली प्राथमिकता विकास और सुरक्षा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विकास का कार्य ठप था और आमजन अपने को असुरक्षित अनुभव कर रहा था, जंगल राज था, माफियाओं का राज था, गुंडा राज था, इसके लिए परिवर्तन किया है तो इसके लिए हम पूरा करें। तो मतलब अब आप उत्तम प्रदेश बनाने की ओर? उत्तम प्रदेश बनाने का बिल्कुल तय। अगर आपकी व्यक्तिगत राय मानी जाए तो आपको कौन सा ऐसा विभाग पसंद करेंगे जो आप लेना चाहेंगे? मंत्रिमंडल में व्यक्तिगत राय नहीं मानी जाती, मुख्यमंत्री की राय मानी, मुख्यमंत्री की राय मानी। पूरी कैबिनेट किस तरह से देखते हैं? पूरी कैबिनेट बहुत अच्छी बनी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अच्छा काम करेंगे सब। रीता जी, क्या प्राथमिकताएं हैं पहली? प्राथमिकताएं हैं सबका साथ सबका विकास, प्राथमिकता है गुंडा राज नहीं, प्राथमिकता है भ्रष्टाचार नहीं, प्राथमिकता एक पारदर्शी सरकार देना, युवाओं का भरोसा हो जिस सरकार पे, किसानों को हो, व्यापारियों को हो, महिलाओं को खास हो, क्योंकि महिलाएं 50% आबादी हैं और सबसे ज़्यादा इस प्रदेश में, चाहे वो सपा का राज हो चाहे बसपा का, महिलाएं अपने आप को असुरक्षित समझती आई हैं। तो एक अंतर की सरकार आनी चाहिए। पिछली सरकार में ऐसी कौन सी बात रह गई जो कमी रह गई, अब इसको पूरा करेंगे इस बार? कमी थी वहाँ पर जो है, जो उनका काडर था वो काडर एक्सप्लॉयटेटिव था, और वो आप देखिए, चाहे थाना हो चाहे कोई व्यवस्था हो, बिना पैसा दिया कुछ नहीं होता था और थानों के ऊपर थाने कार्यालय बन गए थे, सपा हो चाहे बसपा उनके कार्यकर्ताओं का। इस कल्चर को तोड़ना है, फ्रीली ब्यूरोक्रेसी को काम करने देना है, नौकरशाहों को अपना काम करने देना है, अच्छा करें, उनकी पीठ थपथपाइए, ना करें तो फिर कार्रवाई करें। हमारे साथ राजमंत्री मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं, सर आपकी प्राथमिकता है, आप राजमंत्री बन चुके हैं, सबका साथ सबका विकास का नारा है, मोदी जी ने कहा है ना बैठूंगा ना बैठने दूंगा, तो यूपी में बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल चुनौती, कोई चुनौती नहीं, हम लोग बिल्कुल दम से कार्य करेंगे और हृदय से कार्य करेंगे। जो हमारे
देश के नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके हिसाब से चलूंगा। सबका साथ सबका विकास होगा। माननीय हमारी उमा भारती जी हैं, हमारे माननीय राजनाथ सिंह जी हैं, उनके हिसाब से गृह मंत्री हैं और उमा भारती हैं और कलराज मिश्र जी हैं, सब लोगों के साथ मिलकर के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं और माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ आदित्य अपने मुख्यमंत्री हैं, उनके हिसाब से प्राथमिकताएं आपकी प्राथमिकता रहेंगी। नल, बिजली, विकास, सड़कें और खेतों को खलिहान को पानी, सब कार्य अच्छी तरह से किए जाएंगे जिसमें हमारा किसान, हमारा युवा साथी, हमारा कोई परेशान ना हो। ये थे हमारे साथ मनोहरलाल पंत जो कह रहे थे कि हम किसान युवा सबका साथ सबका विकास नारे पर काम होगा, पूरी तत्परता पूरी मुस्तैदी से देश का विकास किया जाएगा। कैमरा पर्सन वीरेश गुप्ता के साथ मनीष मिश्रा, नेशनल वॉइस, लखनऊ। हमारे साथ अर्चना पांडे जी हैं जो राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली हैं। अर्चना जी, सबसे पहली प्राथमिकता महिलाओं के सम्मान, महिलाओं के शिक्षा, महिलाओं का स्वास्थ्य। और मैं ग्रामीण अंचल से आती हूँ, वहाँ पर मैंने देखा है कि विकास का यहाँ बैठ कर ढिंढोरा पीटने वाले लोग जो यहाँ पर कहते रहे, लेकिन हमारी विधानसभा की स्थिति ये है, कई जगह महिलाएं एक एक डेढ़ डेढ़ किलोमीटर दूर से पानी भर कर लाती हैं, उस पेयजल की समस्या को दूर करना। मोदी जी ने आप लोगों से चलते चलते कुछ कहा? हाँ बिल्कुल, कहा आपको बहुत उम्मीदों पर काम, उम्मीदों के उस पर दायित्व तो सौंपा गया है, विश्वास है कि आप उस पर खड़े उतरेंगे। आपकी प्राथमिकताएं आपने बता दी, लेकिन बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत बड़ा जनादेश उत्तर प्रदेश ने दिया है, तो एक मंत्री के रूप में पूरे प्रदेश में हर तरफ विकास हो, इसके लिए आप कैसे कदम उठाएंगे? हम लोग ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम कर रहे हैं जहां निश्चित रूप से हम लोगों को रोज एक नई ऊर्जा, नई दिशा मिलती है काम करने की, और उस ऊर्जा के साथ हम सब मिलकर के काम करेंगे। पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में हम लोग कुछ न कुछ नया करेंगे। अर्चना पांडे ने कहा कि उत्तर प्रदेश में वो नया कुछ न कुछ करेंगे, उन्हें प्रधानमंत्री से नई ऊर्जा मिलती है, अब देखना है कि वो इस पे कितना खरा उतरती है। कैमरा पर्सन वीरेश गुप्ता के साथ मनीष मिश्रा, नेशनल वॉइस, लखनऊ। रोड, सड़क, पानी, तमाम तरह की बातें कही गई हैं, और बहुत बड़ी चुनौती नहीं है आपके लिए? देखो ये तो है ही है, ये तो सड़कों का ये तो सब है। अस्पताल की सबसे बड़ी चुनौती है कि स्वास्थ्य जो है बच्चों का सही रहना चाहिए, स्थिति बहुत खराब वहाँ पर हो रही है। दूसरा मेरा जो मुख्य मुद्दा होगा, मेरा एक ग्रामीण इलाका है पूरा, किसानों का करोड़ों रुपया बिना शुगर मिल है उस पर बकाया है, उसके दिलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। वहाँ पर व्यापारी वर्ग बहुत है, जो उनसे मंडी शुल्क लिया जाता है उसके लिए मैं बंद कराने का प्रयास। मोदी जी ने आपसे कुछ कहा? मोदी जी ने कहा काम करिए और आज सबको साथ लेके सबका विकास करिए, यही उनका संदेश है मोदी जी का। राज्य मंत्री गुलाब देवी का कहना है कि मोदी जी ने ही कहा कि सबको साथ लेके सबका विकास करिए, वो अपने क्षेत्र की सारी जो सुविधाएं हैं उसको जिला मुख्यालय पर उनका जो है कि मुख्यालय रहा। कैमरा पर्सन वीरेश गुप्ता के साथ मनीष मिश्रा, नेशनल वॉइस, लखनऊ। तो इसलिए हम कहते हैं कि खबर मतलब नेशनल वॉइस, आपको योगी के स्पेशल 26 यानी उनके मंत्रिमंडल में से 26 लोगों से बातचीत कराई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।